अजीब होता है. गोलमाल 3 के लिए एंड आई एम होपिंग दैट आई विल विन इट. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज ऑनर बिकॉज द सेकंड टाइम दैट लायंस क्लब विल बी फेलिसिटेटिंग एंड ऑनरिंग मी. सो प्रीटी ग्लैड, वेरी हैप्पी. मेरे ख्याल से 2 साल बाद वापस शायद अवार्ड मिलेगा, तो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस. इट्स टू अर्ली इन फैक्ट टू टॉक अबाउट इट. अभी हम लोग स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है एंड क्या कहते हो सर, बेसिकली स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, कैरेक्टर पे काम चल रहा है. ऑल आई कैन से इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर्स दैट आई हैव पोर्ट्रेड इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इज गोइंग टू बी जोकर. तो मेरे लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा प्री शूट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क अगेन विथ फरा एंड शिरीश. मेरे ख्याल से ओम शांति ओम के बाद दोबारा एक मस्ती करने का मौका मिलेगा. सर मैं पहली बार इनफैक्ट काम करूँगा अक्षय के साथ भी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जितना भी इनफैक्ट उनके साथ काम बस देखा है उनका, कभी मुलाकात या कभी काम करने का मौका नहीं मिला. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम. इट्स गोइंग टू बी गुड फन. बहुत आई थिंक एवरी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. इट्स लाइक अ पैट ऑन योर बैक. यू नो आप मेहनत करते हो, फिल्म चलती है, कामयाब होती है, और अगर आपका काम उसमें से सराहा जाए तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर एनी एक्टर.